हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल सीमा कुकिंग पे। आज मैं फिर से एक वीडियो लाई हूँ, कुकिंग का वीडियो। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप घर पे गुलाब जामुन कैसे बना सकते हैं, वो भी कम सामग्री में। सिर्फ 3 सामग्री की आपको ज़रूरत होगी इस वीडियो में, आप देखेंगे, और उसी से आप घर पर गुलाब जामुन बना सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा मार्केट जैसा गुलाब जामुन बना सकते हैं। घर पर हम कभी कभार बनाते हैं तो हमारे गुलाब जामुन के बीच में जो रहते हैं, जो भी हम कुछ डालते हैं तो वो गिट्टी की तरह गोल ही रह जाता है। ऊपर से तो ठीक रहते हैं लेकिन अंदर तक चाशनी नहीं जा पाती है, और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन आज मैं जो गुलाब जामुन की रेसिपी बताऊंगी, अगर आप उसे बनाते हैं तो बहुत अच्छे से बनेंगे, अंदर तक जो चाशनी होगी वो भी जाएगा और उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगेगा, तो बहुत अच्छा लगने वाला है बच्चों को भी और सभी को। तो इसके लिए फर्स्ट जो हमारा सामग्री है, इंग्रेडिएंट्स है, वो है ब्रेड, जो कि मैंने लिया हुआ है। मैंने एक पैकेट लिया है, आप अपने अनुसार जितने लोगों पे बनाए जाते हैं उतना ले सकते हैं। मैंने हल्के ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं जिसमें पिस्ता बादाम है, और किसमें से आप चाहें तो काजू को भी ऐड कर सकते हैं या तो गरी भी ऐड कर सकते हैं, तो आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई इतना ज़रूरी नहीं है। मैंने दूध ले लिया है हल्का सा, इसमें छाली है जो कि मलाई आप लोग कहते हैं जो दूध के ऊपर आ जाती है, आप चाहें तो वो नहीं भी ले सकते हैं लेकिन मैंने हल्का सा ऐड किया है तो आप भी कर सकते हैं। वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसका छाली लें, आप ऐसे दूध भी ले सकते हैं लेकिन छाली से हल्का जो है वो सॉफ्ट रहेगा। तो अब हमें ब्रेड ले लेना है, और इसके जो ब्रेड तो हमारा पूरा वाइट है लेकिन जो इसके बगल अगल में रहते हैं वो तो ब्राउन रहते हैं, तो हमें उसे निकाल देना है। ब्राउन वाले जो पार्ट्स हैं, एरिया हैं, वहाँ से हटा दीजिएगा। ये हल्का ज़रूरी है क्योंकि वीडियो इसलिए हल्का अजीब बना है क्योंकि मैंने एक हैंड से रिकॉर्डिंग की थी और एक हैंड से दिखा रही थी, इसलिए आपको हल्का अलग लग रहा है। अगर इस वीडियो में क्या हो गया, हल्का कैमरा का एंगल ही घूम गया था, मुझे पता नहीं चला था, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब क्या कीजिए, जो ब्राउन वाले पार्ट्स हैं उसे एक अलग ही बोल में रख लीजिएगा, इसे फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग इसे वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखिए, मैं अच्छे से इसे काट के इसके चारों हिस्से से जो ब्राउन वाले पार्ट्स हैं मैं उसे हटा लूँगी। आप भी इसी तरीके से अपने सारे ब्रेड्स के ब्राउन पार्ट्स जो हैं उसे हटा लीजिएगा, और उसे फेंकिएगा नहीं, उसे हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैं आपको आगे बता दूँगी। तो अब हम इसे धीरे धीरे करके हटाकर किसी भी बाउल में रख देंगे, इसे फेंकिएगा नहीं। इसे भी आप बिल्कुल जिस तरीके से मैं इसकी रेसिपी बता रही हूँ इसी तरीके से इसे भी आपको वही करना है, फिर इसके भी एक अलग ही गुलाब जामुन बनते हैं और इसका भी गुलाब जामुन काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अच्छे से इसे हटा लीजिए। हम अभी वाइट वाले जो ब्रेड हैं उसके बनाने वाले हैं गुलाब जामुन, इसीलिए हम लोग ब्राउन वाले पार्ट्स को हटा ले रहे हैं। अगर हमें ब्राउन वाले के बनाने होंगे तो हम लोग वाइट वाले पार्ट्स को हटा लेते हैं, क्योंकि अगर आप दोनों एक में करेंगे तो कभी कभार क्या होता है, टूटने लगता है गुलाब जामुन। इसीलिए इसी तरीके से देख सकते हैं, मैंने अपने सारे ब्रेड को इस तरीके से कर लिया है, मैंने ऐसे 4 कर लिए हैं। अब मैं सारे को कर ले रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने सारे ब्रेड्स को कर लिया है इस तरीके से, सारे ब्राउन पार्ट्स हटा दिए हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसे हाथ ही की मदद से मैं इसे मैश कर ले रही हूँ, हल्का ये भुरभुरा टाइप हो जाएगा। आप चाहें तो मिक्सी में भी इसे पीस सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये हैंड से भी बहुत अच्छे से हो गया, तो मैंने इसे हैंड ही से कर लिया और मेरे यहाँ लाइट भी नहीं थी, तो इसीलिए आप चाहें तो मिक्सी में भी ब्लेंड कर सकते हैं। इसे अच्छे से भुरभुरा कर लीजिए अपने हैंड की हेल्प से, जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है उसी तरीके से आपको करना है। करते जाइए। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल बिल्कुल नया है, हमने इसी अप्रैल में इसे खोला है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैं लाइक्स नहीं मांगूंगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ही कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स की कमी है, लाइक तो सभी लोग कर देते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। और सब्सक्राइब के बाद एक और छोटा सा आप मेरा काम कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि जब भी मैं वीडियोस डालूंगी आप पे चला जाए और आप उसे पहले फर्स्ट में देखिए, मुझे काफ़ी खुशी होगी। इस तरीके से मैंने सारे ब्रेड्स को भुरभुरा कर दिया है, अच्छे से मैश कर दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं गाइस, हमने जो मिल्क लिया था अब हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। आप क्या कीजिए, एक ही पे एक मत डाल दीजिएगा, मतलब कि जितना मैंने लिया है मैं एक ही पे एक नहीं, मैं हल्का हल्का स्पून की हेल्प से लेकर हम इसे अच्छे से हल्का हल्का लेंगे, और फिर जिस तरीके से हम आटा को गूंथते हैं उसी तरीके से हम भी इसका एक आटा लगा लेंगे। लेकिन हाँ, हल्का ही हल्का, जैसे हम आटा गूंथते हैं तो हल्का हल्का पानी का यूज़ करते हैं, एक ही पे एक पानी नहीं डालते हैं, क्योंकि वैसे वो गीला हो सकता है, फिर हमारा आटा बिगड़ जाता है। इसी तरीके से ये भी है, हल्का हल्का डालिए, और अगर कम पड़े तो फिर डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप
एक ही बार डाल दोगे तो फिर कम तो पड़ेगा ही नहीं, आपका आटा भी ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको स्प्रेड का आटा लगा लेना है, हल्का हल्का दूध ऐड कीजिएगा। और इससे क्या होगा, इसकी खासियत भी है, इससे आपका जो गुलाब जामुन होंगे वो काफ़ी अच्छे बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। और इसे अच्छे से आप इसे मिलाते जाइए, आटा लगा लेना है। 5 मिनट में ही आपका आटा गुंज के बन जाएगा। आप देखिए धीरे धीरे मैं कर रही हूँ, उसमें दूध ऐड हल्का हल्का करना है। अगर मलाई वाला दूध रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप ऐसा भी दूध लेंगे तो भी चल जाएगा। इसे अच्छे से हम गूंद लेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। तो अब देखिए हमारा आटा बन के तैयार है। तो अब इसे हम, जो कि बन के तैयार हो चुका है, तो अब हम इसे क्या करने वाले हैं, छोटी छोटी लोई बनाएंगे, गोल गोल सी। गुलाब जामुन जैसे गोल होता है उसी तरीके से हम इसे गोल कर लेंगे। देखिए मैं एक हाथ में मैंने अपना फ़ोन रखा हुआ है अपनी मम्मी का, इसीलिए मैं एक हैंड से ही कर रही हूँ। अब इसमें आप चाहें तो जो भी आपने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं इसे हल्का गोल करके इसमें डाल दीजिए, तो काफ़ी अच्छा लगता है टेस्ट। अगर आप तोड़ोगे ना इस मुँह में जाते ही अंदर ड्राई फ्रूट्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे फैमिली में सभी को ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, गुलाब जामुन में मैं हमेशा डालकर बनाती हूँ तो सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। आप अपने दोनों हैंड्स की हेल्प से बनाइएगा, क्योंकि मैंने एक हैंड से एक ही बनाया था, उसके बाद मैंने कैमरा बंद करके दोनों हैंड से बनाया, फिर हैंड वॉश किया, फिर बनाया, फिर रिकॉर्डिंग की। तो इस तरीके से हल्का प्रॉब्लम हुआ है आपको दिखाने में, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। इसी तरीके से गोल गोल सभी को कर लेना है। ये हल्का गोल नहीं है लेकिन मैं इसे गोल कर लूँगी, आप देखिएगा आगे सारे गोल हो जाएंगे। एक गोल हो गया जो कि कितना प्यारा लग रहा है, मैंने इसे प्लेट में रख दिया। आप भी सारे को बना बना कर एक प्लेट में रखते जाइएगा कहीं भी, या तो आप पेपर पे भी रख सकते हैं। अब हम बनाएंगे अपनी चाशनी, तो चलिए उसे रेडी करते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी, मैंने 1 कप चीनी लिया है जो कि आपको वीडियो में दिख रहा है, और वही कप से मैंने 1 कप पानी ले लिया है, और एक मैंने बाउल ले लिया है जिसमें हम इसे उबाल कर बनाएंगे। तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं अपनी चीनी, जो जितनी आपको चीनी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मतलब अगर आप मीठा कम खाते हैं, अगर ज़्यादा खाते हैं तो आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वाटर, ऐड कर लीजिए, हो चुका है। अब मेन चीज़ जो कि है, हम अपना गैस ऑन करेंगे, मैंने लाइटर से इसे ऑन कर दिया है। अब इस पर हम अपना रखने वाले हैं बर्तन जिसमें हमने चीनी और पानी डाला था, और हम इसे अच्छे से बॉयल आने देंगे। अब देख सकते हैं इसमें बॉयल आ चुका है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया हल्का सा इलायची पाउडर, मतलब कि इलायची को मैंने बेलना चौकी पे कूट दिया है, फिर इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, इलायची ऐसे भी डाल सकते हैं, या तो इसे पीस कर भी डाल सकते हैं। मैंने इसे अच्छे से डाल दिया है, अभी इसमें क्या होगा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब आप अपने कढ़ाई को गर्म करने के लिए डाल दीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए ऑयल, रिफाइन ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। अब मेरा जो गर्म हो चुका है तेल, इसके लिए मैंने छोटी सी एक लोई डाली थी, छोटी सी बिल्कुल, तो वो ऊपर आके अच्छे से होने लगी थी, तो अब इसे आप इसमें डाल दीजिए। और हाँ गाइस, तेल को बिल्कुल मतलब कि एकदम ज़्यादा तेज़ मत कर दीजिएगा, उससे क्या होगा, हमारे जो रसगुल्ले हैं, मतलब कि गुलाब जामुन है, गलती से मैंने रसगुल्ला कह दिया, जो गुलाब जामुन है वो ऊपर से तो मतलब कि पक जाएंगे लेकिन अंदर से वो ठोस रह जाते हैं। इसलिए आप क्या कीजिएगा, मीडियम आँच में अपने गुलाब मतलब कि तेल को गर्म कीजिएगा। जब आप देखेंगे कि तेल आपका गर्म हो चुका है तब उसमें आप डालिएगा बिल्कुल मीडियम, फिर जाके मीडियम कर दीजिएगा और इसे पकने दीजिएगा। मतलब कि पहले तो आप गर्म पे रखिएगा, उसके बाद मीडियम कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा गर्म रहेगा तो हमारा गुलाब जामुन जल सकता है, इसलिए आप मीडियम ही आँच में उसे रहने दीजिएगा, गर्म होने दीजिएगा। जब वो गर्म हो जाएगा तब अपने गुलाब जामुन को डाल दीजिएगा, और उसके बाद भी उसे मीडियम ही रहने दीजिएगा। अब देखेंगे हमारे जो गुलाब जामुन है वो हल्का ब्राउन जैसे हो रहे हैं, और अभी तो इस तरीके दिख रहे हैं, इसके बाद देखिएगा कितने अच्छे लगने लगेंगे। अब देख सकते हैं पूरा ब्राउन हो चुका है, कहीं कहीं वाइट रह चुका है। यहाँ हमारी चाशनी बन के तैयार हो रही है, और यहाँ हमारा गुलाब जामुन गर्म हो रहा है, और देख सकते हैं मैंने बिल्कुल मीडियम आँच ही रखी हुई है। अब हमारे गुलाब जामुन निकल चुके हैं, ये पूरे 8 बने हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, कितने सुंदर हैं। और ये पूरे 8 ब्रेड के बने हैं गाइस, क्योंकि उसमें हमारे ब्रेड में से कुछ ब्रेड्स गायब हो गए घर में, क्या किसी ने खा लिए तो इसके लिए वो ख़त्म हो गए, तो इसमें 8 बने हैं आप देख सकते हैं, जो कि कितने सुंदर दिख रहे हैं। अब हम जैसे ही चाशनी को बंद कर,
अभी मैंने चाशनी बंद किया है और अभी मैंने गुलाब जामुन डाल दिया। जैसे ही आप निकालें वैसे डालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसे मैंने किसी ढक्कन से ढक दिया है, अब देख सकते हैं मैंने इसे ढक्कन से ढक दिया है। अब हो चुके हैं कुछ समय, हो चुका है 20 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए मैं अपना गुलाब जामुन आपको निकाल कर दिखाऊँगी, कितने सुंदर लग रहे हैं गाइस, आप देख सकते हो। मार्केट में तो अब कैसे 5 रुपये में आप जाएंगे, गुलाब जामुन बिल्कुल छोटे छोटे मिलते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। आपने आंटी का नाम सुना है जो कि छोटे छोटे बचपन में खेलने के लिए आते थे, अब उतने छोटे लगते हैं मेरे यहाँ। तो अब ये देख सकते हैं कितना अच्छा ये घर पे बनाया हुआ है, साथ ही साथ काफ़ी कम इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और इसमें कोई मिलावट भी नहीं है, और ये आप घर पर बना के खा सकते हैं। मार्केट से अच्छा है कि आप घर पर बना कर खाएँ, वो हमें अच्छा भी लगेगा, बनाने में भी मज़ा आएगा और खाने में भी। एक मुझसे गलती से टूट गया है, क्योंकि मैंने क्या किया था, जैसे ही वो मतलब कि मैंने डाला उसे पलट दिया, तो हल्का उसे टाइम लेने दीजिएगा, उसे पलटिएगा नहीं तुरंत ही, हल्का थोड़ा रहने दीजिएगा। तो गलती से वो टूट गया, तो काफ़ी अच्छा लगा गाइस ये बनाकर और आपको रेसिपी दिखाकर। तो कैसा लगा आज का वीडियो, अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मैं हल्का तैयारी कर रही हूँ इसकी फ़ोटो खींचने की, तो आप देख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा, घर पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, बड़ों को खिलाइए, खुद भी खाइए, और काफ़ी आसान है। बहुत लोग बोलेंगे आपने कैसे बनाया, लेकिन आप मत बताइएगा ज़रूर, या तो मत बताइएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं अंदर तक चाशनी गई है, और हमारा जो बादाम डाला था उसमें गोल इसीलिए लग रहा है, नहीं तो हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले थे। आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी इसे बना सकते हैं, घर पर बनाइए, खुद खाइए, सभी को खिलाइए। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इतने कम इंग्रेडिएंट्स में गाइस हमने बनाया है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और उससे अपने सारे वीडियो से अपडेट रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। देख सकते हैं कितने सुंदर गुलाब जामुन है, एक को मैंने कट कट कर करके आपको दिखाने के लिए ऐसे किया था, तो वही ही है। देखिए कितना अच्छा हमारा गुलाब जामुन बना है, आप खुद ही देख सकते हैं गाइस, चाशनी भी कितनी अच्छे से ली हुई है, और मार्केट के गुलाब जामुन से तो ये बड़ा ही है, क्योंकि हमारे तरफ 5 रुपये में मिलता है और काफ़ी छोटे रहते हैं, और ये काफ़ी बड़ा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।